नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल जियोवी न्यूज में। दोस्तों, हाल फिलहाल की खबरों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4G की वजह से बिहार में हुई है अब तक 100 से अधिक बच्चों की मौत। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे अयोध्या आतंकी हमले में सजा का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से 4 दोषियों को उम्र कैद और 1 को बरी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है स्वागत फैसले का। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से, जो है पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका है, जिसमें से 7 लोग जख्मी हो गए हैं। आपको बताएंगे अगली खबर में कि विश्व बैंक से 91.8 करोड़ डॉलर का कर्ज लेगा पाकिस्तान, 3 समझौते पर हो गया है हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे करप्शन पर मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा वार, फिर 15 अफसरों को जबरन किया रिटायर। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे जेपी नड्डा ने संभाल ली है बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी, अमित शाह बने रहेंगे अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे जियो गीगा फाइबर ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले जान ले आप जरूरी बातें। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर से दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। आइए दोस्तों, जानते हैं खबरों को विस्तार से। दोस्तों, करप्शन पर मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा वार, फिर 15 अफसरों को जबरन किया रिटायर। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 ने सरकारी विभागों की सफाई यानी नकारा अफसरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। 18 जून को फिर से सरकार ने वित्त मंत्रालय के 15 सीनियर अफसरों को जबरन रिटायर करने का निर्णय कर लिया है। इसमें मुख्य आयुक्त और आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी भी शामिल है। इनमें से ज्यादातर के खिलाफ भ्रष्टाचार, सूदखोरी के आरोप भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 18 जून को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और कस्टम विभाग ने जबरन रिटायर किए गए अफसरों का पद और उनका नाम भी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इससे पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही सख्त फैसला लिया था। पिछले हफ्ते टैक्स विभाग से ही 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया गया था। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के नियम 56 के तहत वित्त मंत्रालय के इन अफसरों को सरकार समय से पहले ही रिटायरमेंट दे सक रही है। इस तरह अब तक कुल 27 अफसरों को जबरन रिटायर किया गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते नियम 56 के तहत रिटायर किए गए सभी अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमर्शियल और कमिश्नर जैसे पदों पर वो तैनात थे। आपको बता दें कि आखिर यह नियम 56 है क्या? जी हाँ दोस्तों, रूल 56 का इस्तेमाल ऐसे अधिकारियों पर किया जा सकता है जो 50 से 60 साल की उम्र में हो और 30 साल तक कार्यकाल कर चुके हो। सरकार के जरिए ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद नॉन फॉर्मिंग सरकार सेवा को रिटायर करना होता है। सरकार के जरिए अधिकारियों के अनिवार्य रिटायरमेंट दिए जाने का नियम काफी पहले से ही यह कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि 4G की वजह से बिहार में हो गई है 100 से अधिक बच्चों की मौत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चमकी बुखार से मौत के बीच प्रदेश के नेताओं के बेतुकी बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने चमकी बुखार के लिए 4G फॉर्मूले का जिम्मेदार ठहराया है। अजय निषाद ने कहा है कि गरीबी, गांव, गंदगी और गर्मी बच्चों की मौत की वजह है। निषाद का कहना है कि इंसेफ्लाइटिस के मामले हर साल आते हैं, लेकिन इस साल इसकी संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है और उसको संभावना बताया है कि इसका कारण प्रचंड गर्मी है। आपको बता दें कि बिहार में चमकी बुखार का कहर अभी जारी है। मुजफ्फरपुर में अब तक 108 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के जंग से लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने इस बीमारी को रोकने और बीमार बच्चों के इलाज के लिए पूरी तरीके से झोंक दी गई है, लेकिन हर कोशिश अभी तक नाकाम साबित हो गई है। सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरकत में आ गए हैं और आज उन्होंने खुद मुजफ्फरपुर पहुँच करके जहाँ श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मरीजों और उनके परिवारों से हालचाल ले रहे हैं। आपको बता दें कि बाहर लोग नीतीश कुमार मुर्दाबाद और नीतीश हाय हाय के नारे भी लगा रहे थे। लोगों का आरोप था कि इतने बड़े पैमाने पर इस गंभीर बीमारी के फैसले के बावजूद अभी तक सही से इलाज नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव है और जहां केंद्र है वहां पर तो डॉक्टर ही नहीं है। अज्ञात बुखार के बारे में जांच, पहचान और
सफाई उपचार के लिए स्थानीय स्तर पर एक प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि अयोध्या आतंकी हमले में सजा का ऐलान हो चुका है, जिसमें से 4 दोषियों को उम्र कैद और 1 की बरी किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने फैसले का किया है स्वागत। जी हां दोस्तों, अयोध्या आतंकी हमले में दोषियों की सजा का ऐलान हो चुका है। मामले में 4 दोषियों और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 1 को आरोपी को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज की नैनी जेल के गठित स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने इरफान मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम और आसिफ इकबाल उर्फ फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि मोहम्मद अजीज को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 4 आतंकवादी पूरी तरीके से घटना में शामिल थे और लश्कर ए तैयबा ने हमले को अंजाम दिया था। सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्निहोत्री ने इलाहाबाद के संवाददाताओं से कहा है कि विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्रा के प्रत्येक दोषी का 2.4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि मामले में सभी पक्षों की बस 11 जून को पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद से मंगलवार को दोषियों को सजा का ऐलान किया गया है। ये सभी दोषी प्रयागराज की नैनी के सेंट्रल जेल में बंद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि वह अदालत के फैसले का स्वागत है। एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले पर हम कानूनी राय लेने के बाद अपील करेंगे। आपको बता दें कि ये मामला 5 जुलाई 2005 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि जो कि जम्मू कश्मीर से है, पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने कर दिया है ग्रेनेड से हमला, 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक थाने को निशाना बना करके ग्रेनेड से हमला किया गया है, जिसमें से 7 नागरिक पूरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादियों ने ग्रेनेड तो थाने में फेंका ही था, पर यह सड़क किनारे गिर गया था। इसके हुए विस्फोट से अभी तक 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा बलों के हमलावरों की तलाश करने के लिए इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और घायलों को नजदीकी के अस्पताल में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को पुलवामा में आतंकवादियों ने IED ब्लास्ट किया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के IED ब्लास्ट में घायल हुए 2 सैनिकों का निधन भी हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया है कि 9 सैनिकों और 2 नागरिक सोमवार को पुलवामा जिले के अरिहल में हुई IED ब्लास्ट में घायल हो गए थे और आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल को IED से निशाना बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि जो कि है पाकिस्तान से, विश्व बैंक से 91.8 करोड़ डॉलर का कर्ज लेगा पाकिस्तान। 3 समझौते पर हो चुका है हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा भिखमंगा पाकिस्तान ने कुल 91.8 करोड़ डॉलर ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ मंगलवार को 3 समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वित्तीय सलाहकार अब्दुल हसीब शेख से कहा है कि देश भुगतान संतुलन संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नाजुक तौर से गुजर रही है। डॉन अखबार के मुताबिक, आपको बता दें कि विश्व बैंक से मिलने वाले इस ऋण का उपयोग मुख्य तौर पर 3 परियोजनाओं में किया जाएगा। इसमें से 40 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के राजस्व वृद्धि कार्यक्रम और 40 करोड़ डॉलर उच्च शिक्षा विकास पर व्यय किया जाएंगे। इसके अलावा 11.8 करोड़ डॉलर की राशि खैबर पख्तूनख्वा राजस्व संग्रहालय और संसाधन प्रबंधक कार्यक्रम में खर्च किए जाएंगे। इस हस्ताक्षरों पर विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक पंचमुथ इलोंगेव और पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के सचिव नूर मसूद ने हस्ताक्षर किया है। अहमद उच्च शिक्षा आयोग और खैबर पख्तूनख्वा सरकार के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार शेख भी मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि राजस्व कार्यक्रम के तहत 40 करोड़ डॉलर का व्यय घरेलू राजस्व बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए कर संग्रहालय का दायरा और कर अनुपालन बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद पाकिस्तान के कर संग्रह को बढ़ाकर के GDP के अनुपात को 17% पर लाना है। इसके लिए सक्रिय करदाताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़कर के 35 लाख तक पहुंचनी होगी। साथ ही इसका अनुपालन बोझ भी कम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि JP नड्डा ने संभाल लिया है BJP अध्यक्ष की कुर्सी, अमित शाह बने रहेंगे अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, जगत प्रकाश नड्डा ने आज BJP का कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई नेताओं ने आज नड्डा का BJP दफ्तर में स्वागत किया है। JP नड्डा को अमित शाह के फूल देकर के BJP कार्यकारी अध्यक्ष में उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई। आपको बता दें कि अमित शाह अभी अध्यक्ष ही बने रहेंगे और कल BJP संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे।
जी हाँ दोस्तों, बीजेपी संगठनात्मक चुनाव होने पर नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। बीजेपी के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इसके नड्डा में संगठन चुनाव के बाद से नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह आसार बढ़ गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह का कार्यकाल दिसंबर 2019 में समाप्त होने वाला है और इस पार्टी की एक व्यक्ति, एक पद और एक सिद्धांत के चलते पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में विस्तार वो नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी प्रत्याशी ओम बिड़ला को मिल गया है कांग्रेस का समर्थन। यूपीए की बैठक में फैसला हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक दलों ने बैठक की है और जिसमें से लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में राजग उम्मीदवार ओम बिड़ला का समर्थन करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही ओम बिड़ला के स्पीकर प्रत्याशी के समर्थन का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया था और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के बुलाई गई बैठक के संदर्भ में फिलहाल कोई अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों का कहना है कि प्रसंग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक में स्पीकर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष का विरोध नहीं करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक को लेकर के फिलहाल कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है और बुधवार सुबह कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल की बैठक हो सकती है जिसमें से एक विषय पर कोई निर्णय निकलेगा और बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सहयोगी दलों के लोकसभा के नेता भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के सांसद ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी तो होंगे ही और साथ ही राज्य के विभिन्न घटक दलों के 13 लोकसभा सदस्यों में से इन पदों की बिड़ला के साथ नाम की दावेदारी के प्रस्ताव का समर्थन भी किया गया है।